31 मार्च 2023 अकाउंटेंसी का पेपर देकर दो स्कूल के बच्चे क्लास 12th पूरी कर आए थे पेस पर पढ़ने हमसे सीए फाउंडेशन का कोर्स, और ये कहते थे कि सर हमको सिर्फ 2 महीने में सीए फाउंडेशन करना है। तो इनका कहना था सर आप देखो तो हम बहुत अच्छा स्कोर भी करके आएंगे, और सीए फाउंडेशन सिर्फ 2 महीने में पूरी ताकत के साथ पढ़ के और 290+ का स्कोर ला के 1.25 साल की जर्नी में सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दोनों क्लियर करके सीए फाइनल का एस्पिरेंट्स बनना कैसा लग रहा है? मेरे साथ हैं गौतम धारीवाल और शिशिर अटासनिया। गौतम धारीवाल, स्कोर मेरा 387 रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो एकदम बिलीव भी नहीं हो रहा है कि आज ये रिजल्ट है। कोचिंग पे भी आ गए, सेलिब्रेट करने, सेलिब्रेशन भी अभी, तो ये थोड़ा एकदम लग रहा है कि हाँ यार पास तो हो गए। आपको कैसा लग रहा है शिशिर? मेरा नाम शिशिर अटासनिया है, मेरा स्कोर 311 बना है, और जैसा कि कहते हैं लक काम करता है वो मेरे साथ ही हुआ है, मेरा सेट ऑफ हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल, उस पर आप ध्यान रखिए, यही मेरे साथ हुआ है। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और शिशिर, एज फार एज आई रिमेम्बर, बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जब शिशिर से मेरी भी बात हुई थी और उसने कहा था कि सर आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू वन ग्रुप क्योंकि अब मैनेज नहीं हो पा रहा है और मैं एक ही दे देता हूँ। तो हम तो हमेशा से प्रेरणा देते हैं, लेकिन फिर शिशिर के फ्रेंड्स ने भी, सभी टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने उसको बोला कि नहीं यार यू कैन डू इट, और मोटिवेट किया, एंड नाउ ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ सीए फाइनल एस्पिरेंट्स। और मजे की बात देखो आप कि शिशिर जो है वो सेट ऑफ में निकला है, मतलब शिशिर आपके मार्क्स बताओ दोनों ग्रुप के इफ यू कैन प्लीज। मेरा ग्रुप 1 में 164 का स्कोर रहा है और ग्रुप 2 में 147। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट आया है, ये आपने सबसे पहले जब देखा तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, पहला रिएक्शन पेरेंट्स का हुआ था क्या था? मेरा तो मतलब मैं इतना डर लग रहा था कि मैं रिजल्ट तो खोल ही नहीं पाया, तो मेरा रिजल्ट पापा ने खोला, और ऐसे ही हमारे हम जब भी रिजल्ट खोलते तो मंदिर वाले रूम में रिजल्ट खोलते, तो हमने भाई मंदिर वाले रिजल्ट में गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस राइज। और फिर पहले तो खुल ही नहीं रहा था, ऑफकोर्स आईसीआई की साइड पे अटकती तो भाई, बट फिर खुला और फिर अभी इस बार चेंज कर दिया, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लिखाने लग गया। एक बेसिक्स मजबूत होता है तो एक इमारत बड़ी बनती है, तो बस वही हुआ है हमारे साथ। हमारा फाउंडेशन में जो बेसिक्स था, आपने पढ़ाया, मनोज सर ने पढ़ाया, प्रेरक सर ने पढ़ाया, रूपा मैम ने पढ़ाया, या किसी भी टीचर्स ने पढ़ाया, जिन भी टीचर ने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करवाया है तो उन सब्जेक्ट्स में तो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल ही जाता है आपको। वो टीचर से पढ़ा हुआ था तो उनके साथ तो क्या हमारी एकदम वाइब बैठी हुई थी, तो बस उसी तो फाउंडेशन आपने पेज से किया, फिर इंटर भी आपने पेज चूज किया इंटर के टीचर्स के साथ, फिर वो पूरा आपने रिपोर्ट तैयार किया और पूरी ताकत लगा के ये पढ़ाई की। तो इस जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स भी आई बीच बीच में शिशिर, क्या कुछ स्ट्रगल तो आपने मेंशन करी दी, जैसे कि मैं ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो ही गया था। अनादर एक चीज और थी कि सर डिस्ट्रैक्शन, जैसे आजकल मोबाइल फोन्स तो डिस्ट्रैक्शन की है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन था, पर हाँ कंट्रोल किया अपने आप को, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करी जितना बच सकते थे, और यहाँ पर आपके सामने बैठे ही हैं। आपके जीवन में कुछ स्ट्रगल बीच में या कुछ ऐसा? हाँ सर, जैसे सीए फाउंडेशन जब करी थी ना तो मैंने पोस्ट बैच ज्वाइन करी थी सीए फाउंडेशन के रिजल्ट आने के बाद, इंटर की। हाँ इंटर, मतलब आपने सीए प्री रिजल्ट ज्वाइन की थी या पोस्ट रिजल्ट? पोस्ट रिजल्ट ज्वाइन। आप दोनों ने सीए इंटर की पोस्ट रिजल्ट बैच ज्वाइन की थी? ऐसा दो चीज हुई थी, पहले तो पोस्ट रिजल्ट के बाद आए तो पढ़ने मन नहीं लग रहा था, धीरे धीरे मन लगा, इंस्टाग्राम स्टार्टिंग से बंद कर दिया, फिर मैं शिफ्ट हो गया था यूट्यूब शॉर्ट्स पर, और बैठे यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, पट्टी के धीरे धीरे उससे भी हुआ, मेरा टीचर से बात करते थे, टेस्ट बहुत दिए थे, किसी किसी टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे, सर समझाते थे, तो फिर एक रियलाइजेशन होता कि अब जरूरत है यार पढ़ने फोकस करने की। मेरे साथ एक चीज हुई थी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं ऐसा अपन शेड्यूल बनाया था मैंने पूरा, तो मेरा था कि मेरे को मॉक टेस्ट देने ही देने, और जब मैं एंड में आया तो मेरे मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं बचा था, प्रिपरेशन करी और मैं मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दे पा रहा, बट यार मैंने फिर वो जैसे तैसे मैनेज करके एक मॉक टेस्ट दिया, और मुझे लगता है कि वो मॉक टेस्ट देना ही मेरे लिए कोर था जिसने मेरे को 387 का स्कोर दिया। तो इस प्रिपरेशन में आप क्या सलाह देंगे उन बच्चों को जो अब सी इंटर में जा रहे हैं, जिन्होंने फाउंडेशन की तैयारी अभी की है और आगे बहुत ही शीघ्र इंटर में जाने वाले हैं? मेरे को लगता है एक तो फाउंडेशन के बाद जो सी इंटर का सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है और 6 में बहुत अच्छा है, ऑडिट भी थ्योरी, लॉ भी थ्योरी, तो उनको कवर करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली मैंने ना एक भी लेक्चर मिस नहीं करा, मैंने सारे लेक्चर टू द मार्क, मतलब पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंटली देखे, मैंने कोई मिस नहीं करा, ताकि मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, मेरे कोई भी लेक्चर पेंडिंग नहीं था, तो एक वो चीज थी मेरे साथ।
मेरे हिसाब से सर, जैसा आपने बोला कि इंटर में क्या मतलब, जो बच्चे अगर अब इंटर देने वाले हैं या फाउंडेशन देने वाले या सीए कोर्स में या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, सबसे बड़ा लेसन उनके लिए ये होगा कि नथिंग कैन बीट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आप कितनी भी ट्रिक्स लगा लो, कुछ भी कर लो, पर हार्ड वर्क के बिना सीए करना तो इज समथिंग सर, नो डाउट। आप किससे ही पूछेंगे, एक सब्जेक्ट हर आदमी की लिस्ट में रहेगा, दैट इज ऑडिट। सब जानते हैं ऑडिट प्योर थ्योरी है, आईसीएआई उनका मॉड्यूल का ही लैंग्वेज मांगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप ये रहेगी कि आप मल्टीपल रिविजन कीजिए। SM is like MBA of CA. Yeah, perfect. MBA subject of CA. FMSM is like the sixth bowler. FMSM is like the sixth bowler in the squad. Yeah. Very handy. That's like Hardik Pandya. Exactly. And it is taught by Prerak sir. मतलब वो Prerak sir को MBA का subject बना रहे हैं। MBA का subject. तो उनका जादू है उसको। जादू है तो वो है। तो अभी जुमा जुमा 18-19 साल के भी नहीं हुए होंगे, और अभी 2 साल बाद आपका CA final का attempt आ जाएगा, मोटा मोटा। तो आप तकरीबन 20-21 साल की उम्र में बहुत ही यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके इस देश में धूम मचाने वाले हो, और कुछ और भी प्लानिंग है आप लोगों की सीए के साथ साथ या सीए के आगे करने की? जैसे अभी बीकॉम के साथ सीए चल रहा है, तो इसके आगे और कुछ करने के मैच? क्योंकि हम लोगों ने आपसे क्लास में हमेशा कहा है कि सीए शुड नॉट बी द एंड, इट शुड बी द मींस, है ना? विजन हम लोगों का और आपका बहुत बड़ा है, तो सीए के बाद या सीए के साथ और क्या? सर जैसे सीए के साथ तो आपने जैसे बताया कि बीकॉम चल रही है, पर एक जो सिस्टर डिग्री है सीए की, जिसको बोलते हैं आप सीएस, जैसे जानते हैं आप, तो सीएस आप सीए के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं सर उसमें, कुछ मतलब डिफरेंस रहता है, थोड़ा प्रैक्टिकल कम रहता है, बट सीएस आप साथ में कर सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम है वो मैंने पर्सनली अपने तौर पर सोच रखा है, बहुत ही मतलब सीएस और यूपीएससी दोनों तो एक चीज है जो देनी चाहिए, एग्जाम यूपीएससी तो देनी चाहिए। बातें तो बहुत हो गई है, कितनी बातें करें, बातों का तो एंड ही नहीं है। तुम लोग आते हो तो हमेशा ऐसा लगता है कि बस कोई अपना सा आ गया। तो ये थे शिशिर और गौतम जिनसे हमने बात की है, और सच कहूँ तो ये थे नहीं, ये हैं और ये आगे होंगे। शिशिर और गौतम इस देश का भविष्य है, स्काई इज द लिमिट। आप दोनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत आगे जाने वाले हो, और बहुत सारे बच्चे आप लोगों से प्रेरणा लेंगे। सो ऑन दिस नोट, दिस इज मी, दिस इज अस साइनिंग ऑफ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द सी एस्पिरेंट्स ऑफ दिस कंट्री।